शिवपुरी में लगातार यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए यातायात विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई कार्यवाही तो कई समझाइश देकर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। इसी क्रम में यातायात विभाग के रणवीर यादव अपनी टीम के साथ आज झांसी तिराहे से लेकर कोर्ट रोड तक पहुंचे। यहां सब्जी फल और अन्य ठेले सड़क के किनारे अव्यवस्थित तरीके से लगे हुए थे, जिस कारण यातायात प्रभावित हो रहा था। वहीं गाड़ी वाले भी अपने वाहन को वहीं सड़क किनारे पार्क कर देते थे, जिससे अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी होती थी। ठेलों को यातायात प्रभारी द्वारा सड़क से 10 फीट अंदर खड़ा करवाया और चूना डालकर समझाइश दी कि अब से ठेले यहां खड़े नहीं होंगे। वहीं वाहन चालकों को बताया कि वह अपने वाहन किस तरह पार्क करे जिससे यातायात व्यवस्था न बिगड़े। यातायात प्रभारी यादव का कहना था कि अभी लोगों को समझाइश दी जा रही है, अगर समझाइश के बाद नहीं मानेंगे तो आगे चालानी कार्यवाही की जाएगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये दिन भर से कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार की क्या कार्रवाई चल रही है? ये अपना जो थीम रोड है, इसको एक व्यवस्थित सौंदर्य के हिसाब से भी इसको अपने को सही तरीके से रखना है। इसके आज मद्देनजर हमने सुबह से दिन भर से झांसी तिराहे पर ठेलों को व्यवस्थित कराया, बैंकों के सामने जो गाड़ियाँ थी उनको व्यवस्थित कराया, दुकानों के सामने बेतरतीब गाड़ी लगी थी उनको व्यवस्थित कराया। लोगों को ये मैसेज दिया है कि भाई जब गाड़ी आपकी है तो उसको पार्क कैसे किया जाए। पार्किंग पे मेन फोकस था हमारा, वो अतिक्रमण पे फोकस है। तो ये निरंतर हमारी कार्रवाई चलती रही। अभी शाम को आप देख रहे हैं, आपके साथ में भी थे, तो ये लोगों को हम समझाइश दे रहे हैं कि आपको जो ठेला है उसको अंदर करना है, आप जो मोटरसाइकिल है वो पार्किंग की जगह में लगानी है, तरीके से पार्क करना है। इसके बाद एक तो जाम की स्थिति कम रहेगी, बनेगी नहीं, उसका देखने में भी आपको आप लोगों को पता चला जाएगा यहाँ हमारा शहर है और व्यवस्थित सब लोग पार्किंग लगा रहे हैं और यातायात बाधित नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।